नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ एक अपडेट लेकर जुड़ा हूं। जिस तरह से आज हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी, निर्दलीय विधायकों को लेकर फैसला आज आना था। फिलहाल इसमें एक नया मोड़ आया है। जिस तरह से आज इस मामले को लेकर जो है ओपन कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और ज्योत्सना रिवाल दुआ की तरफ से ये मामले को लेकर जो है अपना फैसला सुनाया गया, क्योंकि सुरक्षित ये जो है फैसला रख दिया गया था 30 अप्रैल को, जब इस मामले को लेकर दोनों तरफ से सुनवाई हुई थी। बहस पूरी होने के बाद जो है फैसला सुरक्षित रखा गया था, लेकिन अब इस मामले में जो है एक नया मोड़ आया है, क्योंकि जो दोनों ही जज थे उनकी जो है इस फैसले को लेकर जो है अलग अलग राय थी, जिसके चलते अब ये निर्णय लिया गया है कि तीसरे जज को जो है ये मामला जाएगा ओपिनियन के लिए, राय के लिए, कि उनका इस पूरे मामले को लेकर जो है वो क्या मत है, और उसके बाद जो है इसमें कोई फैसला जो है वो निकलकर सामने आएगा। यानी मामला जो है और अधिक लटक गया है। फिलहाल हाई कोर्ट से भी अभी फिलहाल की आज के दिन की अगर बात करें तो राहत नहीं मिल पाई है इन तीनों निर्दलीय विधायकों को लेकर, क्योंकि दोनों ही जो जज ज्योत्सना रिवाल दुआ और मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव थे, उनके इस मामले को लेकर, इस फैसले को लेकर जो है दोनों के अलग अलग मत जो है वो पाए गए थे। इसमें जिस तरह से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ज्योत्सना रिवाल दुआ का मत था कि इस पूरे मामले को लेकर जो है स्पीकर को जो है वो 2 हफ्ते का टाइम दिया जाए, 2 हफ्ते के भीतर जो है स्पीकर इसको लेकर जो है फैसला सुनाए। वो चाहती थी कि डायरेक्ट जो है हाईकोर्ट करे, लेकिन दूसरी तरफ जो MS रामचंद्र राव थे उनका इस मामले को लेकर जो है अलग जो है वो मत था, जिस वजह से अब ये निर्णय लिया गया है कि इस मामले को जो है वो तीसरे जज को रेफर किया जाए, यानी एक और ओपिनियन जो इसमें लिया जाए, तीसरे जज का जो है ओपिनियन लिया जाए कि उनका इस मामले को लेकर जो है क्या कहना है, क्या हाईकोर्ट जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है दखल कर सकता है, क्या विधानसभा अध्यक्ष को हाईकोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शन दी जा सकती है कि क्या आप इसको लेकर जो है फैसला सुनाएं या ना सुनाएं, इसको लेकर क्या डायरेक्शन जो है हाईकोर्ट दे सकता है। तो तीसरे जज को ये मामला फिलहाल रेफर किया गया है एक तरह से ओपिनियन के लिए। अब तीसरा जज इस पूरे मामले को लेकर स्टडी करेगा, अध्ययन करेगा। ये भी अभी देखना होगा कि क्या जो तीसरे जज हैं, सिंगल बेंच में इसका सुनवाई होगी, अब जो तीसरे जज हैं वो इस पूरे मामले को लेकर जो है फिर से जो है वो सुनवाई रखते हैं, क्या बहस जो है इसमें फिर से होती है, या जो जिस तरह से क्योंकि बहस पूरी हो चुकी है, दोनों तरफ से दलीलें दी चुकी है, इसको लेकर जो भी अभी तक का जो कोर्ट के भीतर बहस हुई है उसकी डिटेल उनको सौंपी जाएगी, तमाम जानकारी उनको दी जाएगी, उसके बाद वो अपना मत जो है वो स्पष्ट करेंगे क्या उनकी इसमें राय है। और हो सकता है कि अभी इसमें जो है थोड़ा और वक्त लगे, मामला थोड़ा और लटके, क्योंकि अब तीसरे जज को जब मामला गया है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा समय लेंगे। जिस तरह से जो है 30 अप्रैल को भी काफी समय तक जो है इसमें बहस हुई दोनों पक्षों की तरफ से। कपिल सिब्बल जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जो है इसको लेकर स्पीकर की तरफ से जो है पैरवी की, जबकि दूसरी तरफ से जो है जो अमरिंदर सिंह थे उन्होंने जो है इसको लेकर जो है अपनी राय जो है वो कोर्ट के भीतर रखी। तो कहीं ना कहीं मामला जो है अब और अधिक लटक गया है। जिस तरह से आज फैसला इसको लेकर जो है हाईकोर्ट की तरफ से आना था लेकिन फैसला नहीं हो पाया, दोनों ही जजों के जो व्यू पॉइंट थे फैसले को लेकर मत थे वो अलग अलग थे, डिफरेंट मत होने की वजह से अब इस पूरे मामले को जो है अगले जो तीसरे जो जज हैं उनके लिए भेजा गया है। अब तीसरे जो जज हैं वो इसमें देखेंगे कि उनकी क्या ओपिनियन है, और उसके बाद जो है हाईकोर्ट की तरफ से ये तय हो पाएगा कि क्या कुछ डायरेक्शन इसमें जो है दी जानी है, किस तरह का फैसला जो है इसमें दिया जाना है। दोनों ही जजों के जो मत थे वो डिफरेंट पाए जाने की वजह से अब इस मामले को जो है सिंगल बेंच में जो तीसरे जज हैं वो इस मामले को देखेंगे, वो स्टडी करेंगे, वो अपना ओपिनियन देंगे। उनके ओपिनियन पर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर ये फैसला अब जो है वो निर्भर करता है कि उनका ओपिनियन क्या आता है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरह से 22 मार्च को इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने, आशीष शर्मा, KL ठाकुर और होशियार सिंह, 22 मार्च को इन्होंने अपना इस्तीफा जो है विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया था, और 23 जो मार्च था उसके 23 मार्च को इन्होंने BJP भी ज्वाइन कर ली थी, और उसके बाद से क्योंकि स्पीकर ने इनका इस्तीफा जो है स्वीकार नहीं किया, अलग अलग इसमें जो है पिटिशने भी स्पीकर को जो है वो गई, जिसमें जगत सिंह नेगी उनकी तरफ से 2 याचिकाएं जो है वो स्पीकर को गई थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा था, एक याचिका उनकी जो सबसे पहले गई थी उसमें ये कहा गया था कि इन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो किसी दबाव में दिया है, BJP के दबाव में दिया है, और सरकार को जो है कहीं ना कहीं जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, और ऐसे में इन इस्तीफों के पीछे की जो वजह है उस पर जांच की जाए, जिस वजह से स्पीकर ने इस मामले को लेकर जो है अपना फैसला नहीं दिया, इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। और उसके बाद से एक पिटीशन और जगत सिंह नेगी की तरफ से जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को दी गई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो ये विधायक हैं
तीन निर्दलीय विधायक हैं, इनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो है वो कार्रवाई बनती है, क्योंकि सरकार को जो है ये गिराने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह का इनका आरोप था, इसलिए इनको अयोग्य करार देके स्पीकर जो है इनको बर्खास्त करे इस्तीफे स्वीकार करने के बजाय, इस तरह का उनका कहना था। और बीच में जो है ये मामला जो है हाईकोर्ट में चलता रहा, 30 अप्रैल को लंबी बहस हुई, लंबी बहस के बाद जो है फैसला सुरक्षित रखा गया, लेकिन आज भी फैसला जो है वो नहीं हो पाया। अब जो है इस मामले को लेकर जो तीसरे जज हैं उनका ओपिनियन लिया जाएगा, क्योंकि दोनों ही जज, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि दोनों ही जजों की जो है वो अलग अलग इसमें राय थी इस फैसले को लेकर, और यही वजह रही कि तीसरे जज को जो है अब इसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि रेफर कर दिया गया है। अब जो है तीसरे जज इसमें जो है अपना ओपिनियन देंगे, उनके ओपिनियन पर निर्भर करेगा कि इन तीनों विधायकों के इस्तीफे को लेकर जो है हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला निकल कर आता है, इनके लेकर हाईकोर्ट जो है क्या डायरेक्ट करेगा स्पीकर को इस पूरे मामले को लेकर कि आप इस्तीफा स्वीकार करें इस तरह की इसमें, क्योंकि जो रिवाल्दुआ की तरफ से ये कहा गया था, उनका जो मत था, उनका ये कहना था कि स्पीकर को 2 सप्ताह का टाइम दिया जाए इस पूरे मामले को लेकर, इस इस्तीफे को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ जो एमएस रामचंद्र राव मुख्य न्यायाधीश है उनका जो है इसको लेकर अलग मत था, इस वजह से फिलहाल इस मामले को अब तीसरे जज को भेजा गया है। अब तीसरे जज इसमें अपनी राय देंगे, उसके बाद ही इसमें जो है कुछ फैसला हो पाएगा। अब देखना होगा कि कब जो है वो इस मामले को लेकर फैसला हो पाता है, तीसरे जज की क्या राय निकल कर आती है और क्या इसमें फिर से जो है वो सुनवाई होनी है, दलीलें दी जानी है, ये देखना काफी अहम होगा, क्योंकि जजमेंट की कॉपी अभी आने में थोड़ा वक्त है और हो सकता है कि दोपहर बाद तक जो है जजमेंट की कॉपी आए और उसमें निर्णय हो जाए कि किस जज के पास ये मामला अब जाएगा और कौन सी डेट जो है वो तय करते हैं सुनवाई के लिए। तो फिलहाल आपको इसी अपडेट के लिए जो है वो इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं, ताजा तीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे, आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।